हेलो स्टूडेंट, वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स। तो जैसे कि चैप्टर का नेम उससे आपको पता चल गया होगा कि हाउ मेनी टाइम्स यानी कितने टाइम्स क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली प्लस, जो भी कोई चीज रिपीटेड प्लस में होती है उसको मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में होती है तो उसे प्लस में कैसे लिखते हैं, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास बुक हो तो आप उसे देखिए ओपन करके। 122 पेज पे हमें दिया हुआ है चैप्टर नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए 5 गॉड है, गॉड की पिक्चर बनी हुई है। इसमें पूछा गया है देयर आर 5 गॉड्स, यहाँ पे मैंने दिया पड़ा है देयर आर 5 गॉड्स, हाउ मेनी लैक्स एल्टोगेदर। तो यहाँ पे अगर 5 गॉड्स दी हुई है तो उनके कितने लैक्स होंगे यानी कितने पैर होंगे वो आपको बताना है। तो हमें पता है कि जो गॉड्स होती है उसके 4 लैक्स होते हैं, 1 गॉड के 4 लैक्स होते हैं। तो यानी यहाँ पे हमें यह बता दिया गया है कि देयर आर 5 गॉड्स, अगर 5 गॉड है तो उसके लैक्स टोटल कितने होंगे उन सबके मिला के, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें पहले से ही पता रहता है कि गॉड यानी जो बकरी होती है उसके 4 पैर यानी 4 लैक्स होते हैं, तो हमें टोटल कितने लैक्स होंगे 5 गॉड्स के वो बताना है। तो वी नो दैट, हमें पता है कि 5 है, तो हम क्या करेंगे, 1 गॉड के 4 लैक्स होंगे +4 +4 +4 +4। तो यहाँ पे वही है, 1 गॉड के 4 लैक्स, देन 4, देन 4, देन 4, देन 4, तो 5 टाइम्स 4 है। यहाँ पे क्या है, यानी 5 गॉड है तो हमने 5 टाइम 4 कर दिया है, तो 4 लैक्स, 4 लैक्स, 4 लैक्स, 4 लैक्स एंड 4 लैक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 टाइम्स 4 है, 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स 4। इसका मीनिंग यही हुआ कि 4 जो है वो 5 टाइम्स है, और इसे हम कैसे कर सकते हैं, 5 टाइम्स 4 का मीनिंग हो गया 5 × 4, और ये इक्वल हो गया 5 × 20, तो कितने लैक्स हो जाएंगे, 20। हमने डायरेक्ट बता दिया यहाँ पे कि जो है 5 गॉड अगर है तो उनके टोटल सबके लैक्स अगर हम काउंट करते हैं तो कितने होंगे, 20 लैक्स होंगे। तो ये क्या हो गया, रिपीटेड एडिशन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है और मल्टीप्लाई करके हमने आंसर बता दिया है। अब ये चीजें अब हम सेकेंड नंबर पे देखेंगे, हाउ मेनी स्पाइडर। तो आप बुक में देखेंगे कि यहाँ पे 3 स्पाइडर, जो मकड़ी होती है उसकी पिक्चर दी हुई स्पाइडर में, मकड़ी वो उसके 3 पिक्चर दिए है। तो हाउ मेनी स्पाइडर, हमने सबसे पहले पूछा गया है कितने स्पाइडर है, तो हम यहाँ पे देखिए नोट कर देते हैं हाउ मेनी स्पाइडर होना है, टोटल है यहाँ पे 3 स्पाइडर। और यहाँ पे पूछा गया 1 स्पाइडर है, जो 1 स्पाइडर है इसके कितने लेग्स है, तो आप देखोगे पिक्चर में आकर काउंट करके देखोगे तो 1 स्पाइडर जो है उसके 8 लेग्स है, 1 10 है हाउ मेनी लेग्स 8 लेग्स। ये भी हमें पता चल गया कि वहां पे 3 स्पाइडर है पिक्चर में और 1 स्पाइडर के 8 लेग्स है। तो हमें बताना है इन ऑल स्पाइडर, जो टोटल 3 स्पाइडर है, लेग्स आर 3 टाइम्स, तो वो कितने होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 स्पाइडर है और उनके 8 8 8 8 लेग्स है, तो 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 + 8 + 8, 3 स्पाइडर के हम लेग्स को प्लस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 3 × 8 = 24। तो ये हमारा हो गया हाउ मेनी टाइम्स, यानी कोई चीज कितने टाइम्स है उसको हम रिपीटेड एडिशन में लिखते हैं और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई में करते हैं और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे क्या है, डू यू नो दिस फ्लो, दिस इज एन ऑक्टोपस। यहाँ एक ऑक्टोपस का भी पिक्चर दिया हुआ है, तो हमें पता है ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं, तो 1 ऑक्टोपस है तो उसके 8 लेग्स है। दिस इज
also has 8 legs. तो इसके 8 legs हैं। अगर हमें यहाँ पे पिक्चर में 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्टोपस दिए हुए, 5 ऑक्टोपस दिए हुए तो हमें बताना है कि टोटल उनके कितने लेग्स होंगे। तो हमें पता है 1 ऑक्टोपस है 8 legs। 1 ऑक्टोपस के 8 legs होते हैं तो 5 ऑक्टोपस के कितने legs होंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 को 5 टाइम्स प्लस कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ से 1 ऑक्टोपस का पिक्चर दियो, आप पेज नंबर 122 पे देख सकते हैं। 1 ऑक्टोपस में कितने लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं और टोटल कितने हैं, 5 ऑक्टोपस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि 5 ऑक्टोपस है तो उनके टोटल कितने लेग्स होंगे। तो हम 1 को कितने टाइम प्लस करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 8। 5 टाइम्स 8 है, इसका मीनिंग हो गया 5 इंटू 8। अगर हम 5 एंटर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 लेग्स। तो यहाँ पे अगर 1 ऑक्टोपस के 8 लेग्स है तो हमारे पास 5 ऑक्टोपस है, तो 5 ऑक्टोपस है तो हमने 5 टाइम 8 को प्लस कर देंगे। 1 ऑक्टोपस के हम लेग्स को प्लस करेंगे 2nd ऑक्टोपस के, 3rd, 4th के, जो 5 ऑक्टोपस है सभी के हमने लेग्स को प्लस कर दिया है। तो वो हो जाएगा 5 टाइम्स 8 और 5 इंटू 8 और 5 इंटू 40। ठीक है, तो ये हो गया है। यहाँ पे हमने देख लिया हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स कौन सी चीज है, तो हम डायरेक्ट इसे आंसर कर सकते हैं। अब देखेंगे इसी टाइप से और भी चीजें दी हुई है, तो आप देखेंगे पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 124, उस पर इसी टाइप से प्रैक्टिस टाइम दी हुई है, तो कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये जो मैंने आपको समझाया उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हम देखेंगे, री राइट म्यूजिक प्लस साइन। आपको करना है फिर से ये री राइट करना है और प्लस साइन का यूज करना है। तो देखेंगे 1 हैज बीन डन, यहाँ पे पहला वाला जो है वो किया हुआ है। इसी टाइप से हमें ये जो 3 हमने दी करे वो हमें करना है। 2 मल्टीप्लाई 5 को हम कैसे कर सकते हैं, इज 2 टाइम्स 5। 2 मल्टीप्लाई 5 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 टाइम्स 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हमें क्या दिया हुआ था, एडिशन में नंबर दिया हुआ था, तो हमने इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। अब हमें क्या दिया गया है, हमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, इसका मतलब तो हमें पता है 2 टाइम्स 5 होता है। ये हो गया 4 टाइम्स 80, 3 टाइम्स 20, 8 टाइम्स 9। ये चीज हमें पहले के सर से पता चल गया है, तो उसे हमें ये प्लस में करना है। अगर मल्टीप्लाई में हमें दिया है तो उसे प्लस में कैसे नोट करेंगे, वो दिया हुआ है। अगर हमें प्लस में दिया हुआ है जैसे कि क्वेश्चन में, तो हम इसे कैसे करते थे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमें बताई गई, प्लस वाले को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई वाले को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखेंगे 2 टाइम्स 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 5। अब देखेंगे 4, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 80, इसका मीनिंग हो गया इज 4 टाइम्स 80। इसका मीनिंग यही हुआ 4 टाइम्स 80। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम 80 को 4 टाइम प्लस करके लिखेंगे, 4 यहाँ पे करके देखेंगे 4 टाइम 80। हमने 4 टाइम 80 ही नोट कर लिया है। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 20, 3 टाइम्स 20 कैसे लिखेंगे इसे हम, 3 टाइम्स 20। और इसे हम कैसे कर सकते हैं, 3 टाइम्स 20 20 प्लस 20 प्लस 20, ये हो गया हमारा। अभी 8 मल्टीप्लाई 9, 8 टाइम्स 9, तो इसे क्या करेंगे, 8 टाइम्स 9। तो हमें 8 टाइम
वन टाइम, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट, एट टाइम नाइन मिनट किया है। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कैसा है, टेन हाउ मेनी टाइम। अभी मल्टीप्लाई को कैसे प्लस किया था, अब प्लस वाले को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कोई नंबर कितने टाइम प्लस किया हुआ है। तो यहाँ पे थ्री दिया है, तो थ्री को कितने टाइम प्लस किया है, तो देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हुआ फाइव टाइम्स थ्री। यहाँ पे क्या हो गया फाइव टाइम्स थ्री, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे फाइव टाइम्स थ्री, या फिर आप ऐसे भी कर सकते फाइव मल्टीप्लाई थ्री, ये ही हो गया। अब आपका हो गया है फाइव थ्री जा फिफ्टीन, इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब सेकेंड नंबर में देखिए कितने टाइम ट्वेल्व है वो हमें पता होना चाहिए, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स ट्वेल्व यानी फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व, फोर टाइम ट्वेल्व यानी फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो फोर ट्वेल्व जा फोर्टी एट, ठीक है। या फिर आप ट्वेल्व का टेबल कर लीजिए, ट्वेल्व फोर जा तो 48 आ जाएगा आपका आंसर। अब थ्री नंबर में देखेंगे हमारा सिक्स है, और सिक्स कितने टाइम है ये हमें बताना है, हम काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सिक्स हमारा सेवन टाइम्स है, तो हम करेंगे सेवन टाइम सिक्स। तो यहाँ पे देखेंगे सिक्स कितने टाइम है, तो सेवन टाइम सिक्स है, तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है कि सेवन टाइम सिक्स है। डायरेक्ट हम ये वाली टर्म नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यही टर्म कर रहे हैं, वो तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, आप इसे स्टेप से करके भी स्टेप कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सेवन टाइम सिक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्टी टू, सेवन सिक्स फोर्टी टू। अब फोर नंबर है, सेवन है, तो सेवन कितने टाइम से वो आपको नोट करना है, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम सेवन, तो फोर टाइम सेवन, तो ये हो गया फोर सेवन जा कर देंगे तो ट्वेंटी एट आएगा। तो यहाँ पे हमने दो एक्सरसाइज देखी है, एक तो पहली हमारी थी ये वाली मल्टीप्लाई में दिया है तो उसको एडिशन में करना, और एडिशन में दिया है उसे मल्टीप्लाई में करना है। तो ये हमारे चैप्टर में बताया गया है कि हाउ मेनी टाइम्स कोई चीज कितने टाइम से, तो डायरेक्ट आप कैसे प्लस कर सकते हैं। सपोज अगर हमें एक क्वेश्चन पूछे कि अगर हमारे पास फोर टेबल है, तो टेबल जैसे ही आपको टेबल बोला जाए तो आपके माइंड में आ जाएगा कि टेबल जो होते हैं उसमें फोर लेग्स हैं, उसके फोर वो होते हैं स्टैंड जिसमें टेबल खड़ा होता है, तो उसके फोर होते हैं और आपके पास फोर टेबल है, तो आप क्या करोगे, आपको फोर टाइम्स फोर करना होगा, फोर टेबल है और वन टेबल में फोर लेग्स होते हैं, तो क्या होगा फोर टाइम्स फोर, तो फोर फोर चार, तो वो आपका हो जाएगा सिक्सटीन, तो फोर फोर जा सिक्सटीन आप कर लोगे। तो इसी टाइप से आप कोई भी चीज का कर सकते हो, चेयर बोला जाए अगर आपके पास फाइव चेयर है तो आपको पता है कि वन चेयर में भी फोर लेग्स होते हैं, तो आप डायरेक्ट करोगे फाइव, तो क्या हो जाएगा फाइव चेयर है तो फाइव टाइम्स फोर, तो ये हो गया फाइव फोर जा कर लोगे तो आपका ट्वेंटी आ जाएगा आंसर। इसी टाइप से किसी भी चीज के आपको लेग्स को डायरेक्ट काउंट नहीं करना है, ऑनली हमें पता होना चाहिए कि वो कितने हैं और उसमें कितने लेग्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।